साथ कांटेक्ट करिए, हमें कांटेक्ट करो, उसके लिए बना के देना पड़ता है। अभी मेरे पास पैकेज में नहीं लाया हूँ, उसके लिए अलग से हमारे पास फार्मूला है। हजारों केस हमने ट्रीट किया है, कितना भी बड़ा बड़ा पत्थर क्यों ना हो, मल्टीपल स्टोन क्यों ना हो, 10 या 15 कितना भी बड़ा पत्थर है, कॉल ब्लैडर स्टोन के लिए गारंटी के साथ आप बोल सकते हैं 7 डेज के अंदर मोर देन 90% स्टोन क्लियर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर। अच्छा, आपको स्कैन के क्लियर हो गया ना सर? अभी इसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, जो है इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो राजकुमार सर शुरू में जो इंट्रोड्यूस किया है, रियली डेडिकेटली 24 आवर्स काम कर रहे हैं। उनका पास मैं एक कॉल ब्लैडर के लिए एक मेडिसिन में दिया था, क्या पोजीशन पहले था क्या है, तो उसको सुनने के बाद आगे आने वाला दिनों में हम क्या क्या कर सकते हैं आप सार बताएंगे। मैं 2 मिनट माइक दे रहा हूँ सार को। थैंक यू सर। सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं वैसे तो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, आईटीआई डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आईटीआई डिपार्टमेंट में। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरी बात जो मेरे समझ में आए टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हो सकता है आप में से भी काफ़ी प्लस टू फिजिक्स वगैरह में पढ़ी होगी। हमारा जो भी शरीर है, जो भी चीज़ें बनी है, चाहे वो निर्जीव है चाहे सजीव है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। आप में से इंजीनियर कौन से हैं जो मेरी बात को फॉलो कर सकते हैं, समझते हैं? हमारा जो भी होता है, जो भी तत्व बनते हैं, वो एटम से मिलकर बना है। एटम क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी जो ऑर्बिट की संख्या है, ऑर्बिट बोलते हैं उसको, उसका एक फार्मूला है 2n2 2n की शक्ति 2। तो पहले में 2 होते हैं, फिर 4 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 16 होते हैं, फिर 32 होते हैं। आप में से कईयों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। तो मेरी एक ही बात समझ में आई कि जैसे एटम के लास्ट के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे तत्व बनता है, जो लास्ट के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कंडक्टर होगा, 4 होंगे तो सेमीकंडक्टर होता है, 8 होते हैं तो इंसुलेटर होता है। जितनी भी लकड़ी की चीज़ें हैं जिसके अंदर बिजली पास नहीं कर सकती, वो इंसुलेटर होता है। होते सब में एटम्स हैं, होते सब में इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो। तो मुझे भी आपकी तरह बुलाया गया था। आप लोग लकी हो, खुशकिस्मत हो कि चंडीगढ़ के अंदर बैठ के सेमिनार देख रहे हैं। जब मुझे बताया गया लगभग 1.5 महीने पहले, मुझे बताया गया कि दिल्ली के अंदर सेमिनार है और डॉक्टर साहब आ रहे हैं तमिलनाडु से, तो मैं सुबह यहाँ से 3 बजे चला था और मैं दिल्ली पहुँचा। मीटिंग सुबह मेरे ख्याल 9 बजे थी और मैं वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गया और मैंने वो मीटिंग देखी। आपकी तरह मैंने बैठ के बड़े ध्यान से सुनी बात और मेरी बात ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरी बात समझ में आ गई कि है कुछ तो है। तो मैंने देर ना करते हुए मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया और उन्हीं दिनों में मैं कुछ फैमिली प्रॉब्लम से गुजर रहा था। मेरे जो मिसिस के गाल ब्लैडर में स्टोन 3.5 सेंटीमीटर 35 mm की थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन पे बात की। मैंने कहा सर ऐसे है, और 14 अक्टूबर की डेट थी, मुकुट हॉस्पिटल है, यहाँ से डेट फाइनल, बिल्कुल गाल ब्लैडर निकलना ही निकलना था। MBBS डॉक्टर ये बोलते हैं कि गाल ब्लैडर के अंदर, मेरी बहस भी हुई इस बात पीछे, MBBS डॉक्टर ये बोलते हैं कि एक बार गाल ब्लैडर में पथरी चली गई वो निकल नहीं सकती। तो उन्होंने मेरे साथ बहस की, वो कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो निकलवाना ही निकलवाना पड़ेगा। मैंने सर से बात की तो सर से मैंने कहा कि ऐसे करके 14 अक्टूबर की डेट है तो क्या करूं। वो कह रहे अभी रुको, अभी निकालना ना, मैं मेडिसिन लेके आता हूं। तो ये पिछली बार महीना 1.5 महीना हाँ, तो पिछली बार सर आए और मुझे लेके गए, तो मैंने मिसिस को दी यूज की और मेरे मिसिस मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी, बिल्कुल स्पष्ट। किसके बेटी बात बनती है? सही बात है, किसी की नहीं मानती। मैंने उनको कहा कि ये ले, वो कह रहे नहीं, डॉक्टर ने कहा था पिता फट जाएगा, पिता फट जाएगा तो मेरे को मारोगे, तो मेरे ऊपर पैसे नहीं खर्च करके राजी। वो मेरे को इतना कहा कि अपना अपने पैसे बचाने के चक्कर में मेरे को मार दोगे कि मेरा तो पिता निकलवा दो। और मैं खुद, क्योंकि डिवाइनेस किया हुआ मैंने, मेरा थोड़ा हेल्थ की जानकारी तो है, मेरे को पता है एक बार पिता निकला तो बंदा 50% गया, कब्ज रहेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी। तो मैंने उसको कहा भी तेरे खाते में 40,000 जमा करवा दूंगा, पैसे का लालच नहीं है,
बात ये नहीं है कि मेरे को पैसे की बचत करनी है, मैं ये चाहता हूं कि तेरा पिता ना निकले ताकि आगे वाला जो जीवन है स्वस्थ जीवन जी सके। तो मैंने जैसे जैसे सर ने कहा वैसे वैसे मैंने दिया, और अब 14 अक्टूबर के बाद देखी लोग दिसंबर भी जा लिया, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा डेल्टस ग्लोबल लिमिटेड का, जिन्होंने वाकई शानदार प्रोडक्ट बनाए। मैं मार्केट में देखता हूं जैसे डॉक्टर्स हैं, मैं यहां पे बहुत सारे, मेरे को हॉस्पिटल से वास्ता है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। यहां मैंने अभी व्हाट्सएप पे कल परसों एक मैसेज भेजा था, एक बार बंदा चला गया टेस्ट 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 के नाम पे 20-25 हजार रुपए लगने ही लगने हैं, और उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं है। कल परसों मेरे मदर बीमार हो गए, नाम ले ही तुम मुकुट हॉस्पिटल लेके गए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और मैंने पूछा 2 दिन बाद क्या रिजल्ट, कुछ नहीं समझ में नहीं आया, क्या था कुछ भी नहीं। मैंने पूछा उसके ठीक है, मैंने मतलब टेस्ट कराए, टेस्ट में कुछ नहीं उनका, और मैंने था केवल ब्लड प्रेशर था, और इतने टेस्ट पूरे ब्लड के टेस्ट, सीटी स्कैन तो हर एक को कर ही देते हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं, मैं हम जो इसमें काम कर रहे हैं वाकई सेवा भाव से काम कर रहे हैं कि जो हर व्यक्ति है कम से कम अपने शरीर का उसको ज्ञान हो और अपना स्वास्थ्य ठीक रहे रखे। और जो एलोपैथी है, एलोपैथी बुरी चीज नहीं है, इमरजेंसी के टाइम एलोपैथी ही काम आती है, परंतु जो हमारे शरीर में तत्वों की कमी है या शरीर इस विज्ञान के बारे में हमें जो जानकारी वो होनी चाहिए। तो आप सबका थैंक्स, डॉक्टर साहब का थैंक्स।